अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मोटरोला मोटो E7 पावर का FRP बाईपास। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से करना है इसे। सबसे पहले मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूं, इंटरनेट कनेक्शन दे देता हूं इस फ़ोन को। जैसा कि आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्शन मिल चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं, एक बार से दिखा देता हूँ आपको। FRP इसमें लगा हुआ, ऊपर देख सकते हैं आप लॉक का साइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बैक लेकर इमरजेंसी में आएंगे और ऊपर में जो ऑप्शन है इधर पर क्लिक करेंगे। बाद में एडिट में जाएंगे और प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आने पे थ्री डॉट होता है कोने में, वहाँ पे क्लिक करेंगे और जी ड्राइव होता है उसको क्लिक करके रखेंगे। हम इस वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से हमारे को परमिशन में जाना है और यहाँ पे जो सर्च बार है उसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग सर्च करना है, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग में हम जाने की कोशिश करेंगे, सेटिंग लिखेंगे, स्क्रॉल करके देखेंगे, सबसे लास्ट में थोड़ा ऊपर ऑप्शन आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार ये तो नहीं आया, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। यहाँ पे वापस से सेटिंग सर्च करेंगे, वापस लास्ट में आएंगे, देख सकते हैं सेटिंग ऑप्शन आ चुका है। इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सेटिंग में आ चुके हैं, लास्ट में आएंगे, अबाउट चेक करेंगे क्या मॉडल है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, मोटो E7 पावर, ठीक है, मॉडल है। और नीचे में आके देखेंगे तो एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड 10 है इसका। सिक्योरिटी पैच वगैरह भी आप देख सकते हैं। देख लेते हैं, ऐप में जाते हैं, ऑल ऐप्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्लिक करके ओपन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो क्रोम को हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे सर्च करेंगे VN ROM, ठीक है, VN ROM की वेबसाइट पे जाएंगे, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन लॉक होता है उसे सेट करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न डालता हूँ मैं, L बनाएंगे, वापस L कंफर्म करेंगे। आप देख सकते हो यस आई एम इन, हमारा स्क्रीन लॉक सेट हो चुका है सक्सेसफुली। अंडरस्टूड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं अभी इस फोन के अंदर स्क्रीन लॉक लग चुका है, ठीक है। सो गाइस, अभी इसको FRP बाईपास हो जाना चाहिए। एक बार से चेक कर लेते हैं, बैक करके वापस से कंटिन्यू करेंगे, सेटअप करेंगे फ़ोन को, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन मिला हुआ अभी भी, डोंट कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी FRP बाईपास नहीं हो पाया, वो पैटर्न जो अपन डाले थे स्क्रीन लॉक वो मांग ही नहीं रहे। देख सकते हैं पैटर्न लॉक मांग ही नहीं रहा है, मतलब FRP बाईपास अभी भी नहीं हुआ है। एक बार रिस्टार्ट करके भी देख लेते हैं, रिस्टार्ट कर दिया मैंने फ़ोन को, वापस से स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीन लॉक लगा दिया, वापस से कंटिन्यू करते हैं, डोंट कॉपी। देख सकते हैं कि ये FRP नहीं हुआ है, ठीक है। वापस जाते हैं, फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, उसी तरह से चूज इमेज, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ड्राइव पे क्लिक करके रखेंगे, परमिशन में जाएंगे, सर्च करेंगे, सेटिंग, सेटिंग को ओपन करेंगे यहाँ से। ओपन कर लिए, ऐप्स में जाएंगे, ऑल ऐप्स को ओपन करेंगे। अब हम डिसेबल वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड ऑटो को जाके फोर स्टॉप करेंगे और इसे डिसेबल करेंगे। एक बार डिसेबल हो गया, आप उसके बाद एंड्रॉयड सेटअप इसे भी फोर स्टॉप लगाएंगे, क्लियर कैसे वगैरह करेंगे। अभी हम जाएंगे गूगल प्ले सर्विस, उसको क्लियर करेंगे और डिसेबल करेंगे। फोर स्टॉप कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है, और एक बार इसको भी डिसेबल कर देंगे। तो गाइस, इसको डिसेबल करने के बाद गूगल की कोई भी सर्विसेज नहीं चलेगी। तो वापस से बैक लेता हूँ और यहाँ पे एसेसिबिलिटी में जाके एक मेनू है उसे हम ओपन कर देंगे, ठीक है। एसेसिबिलिटी मेनू को यहाँ शॉर्टकट ले आएंगे, आप देख सकते हो कि ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्ले सर्विस को अपन डिसेबल कर चुके हैं, ठीक है। तो यही दो चीज़ करनी है, वापस से आ जाना है, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करेंगे, स्किप करेंगे, डोंट कॉपी। इंटरनेट कनेक्शन मिला हुआ, ठीक है,
अभी दोस्तों ये ऐसे ही घूमते रहेगा, गूगल की सर्विसेज हमने डिसेबल कर दी है तो आगे नहीं बढ़ेगा ये। इसके लिए एसेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, ऐसा दो तीन बार करते रहेंगे। बाद में सेटिंग का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे क्लिक करके हमको अंदर चले आना है। फिर गूगल प्ले सर्विस को फोटोस्टॉप लगा कर कैशे वगैरह क्लियर करके एनेबल कर देना, ठीक है। जैसे ही हम एनेबल करेंगे उसके बाद हमें बैक लेना है एक बार, फिर दूसरी बार बैक लेना है, रुकना थोड़ा देर, वापस से बैक करना है। ये ऐसी लोड होएगा और फाइनली हमारा FRP बाईपास हो चुका है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, पैटर्न मांग रहा है, पैटर्न डाल देते हैं, वही जो डाले थे पहले स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्री करते हैं, ठीक है, लोकेशन दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा FRP बाईपास हो चुका है मोटोरोला E7 पावर का। सो गाइस, वापस से इसको एक बार रीसेट करना है, तो रीसेट करने से पहले एक बार अबाउट में जाके बिल्ड नंबर पे 5 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं, और डेवलपर ऑप्शन में घुस करके उसमें OEM और USB डीबगिंग को ऑन कर देंगे ताकि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम रीसेट कर देते हैं फ़ोन को। तो फ़ोन रीसेट हो रहा है, देख सकते हैं सब कुछ इरेज हो रहा है वापस से। खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे खुलेगा हम वापस से सब सेटअप कर देंगे। इस बार ही कुछ भी FRP का लफड़ा नहीं रहेगा, FRP मिट चुका है पहले ही, तो सेटअप ऑफलाइन हो जाएगा। सेटअप ऑफलाइन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इस तरह से नेक्स्ट करते हैं, वापस से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे भी स्किप कर देते हैं, एग्री करते हैं, डिसेबल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अलाउ करते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा FRP बाईपास हो चुका है और वापस से रीसेट भी हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।